कलर उतारने और लगाने में इतनी मेहनत नहीं जितनी टेप उतारने में। तो अब भाई साहब हमने ये स्टेटर लगवाने, थोड़े दिनों बाद फॉग लाइट्स लगी हैं गाड़ी में, बहुत सोहनी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो गाइस आज सबसे पहले मैंने आपको तीन चीज़ों की खुशखबरी देनी है। अच्छा, पहली खुशखबरी है कि आपके भाई ने व्लॉग्स बनाने में सुस्ती करना छोड़ दी है। दूसरी खुशखबरी है कि सुस्ती छोड़ देने की वजह से आपके भाई ने फॉग लाइट्स मंगवा ली हैं। और तीसरी खुशखबरी है कि सुस्ती छोड़ देने की वजह से फॉग लाइट्स मंगवा ली और आज ही हम इसको लगवाने भी जा रहे हैं। और आज हमने सिर्फ फॉग लाइट्स नहीं लगवानी, आज हमने स्पॉइलर भी लगवाना है जो न्यू मंगवाया था, पेंट होकर जो आया था। और आज हमने स्प्लिटर भी लगवाना है जो टूटा हुआ था, और ये फॉग लाइट्स लगवानी है। तीन काम है हमारे। मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर कलर वाली मंगवाऊंगा, लेकिन ये थ्री कलर वाली मंगवाई है क्योंकि इसका फ्लैश अच्छा होता है। ये अभी बना हुआ है फोर कलर, लेकिन इसमें है थ्री। छट दे देखो जी, ये थ्री कलर है, ये वन, वो टू और ये थ्री। तो अब हम अपनी तीनों चीज़ें रखते हैं गड्डी में और चलते हैं सीधा वर्कशॉप पे। हेलो जी, स्पॉइलर हमने रख दिया है। ये इतना लंबा स्पॉइलर है, ये डिगी में आता नहीं है। फॉग लाइट्स भी रख ली हमने, ये टेप भी, और स्प्लिटर हमारा एक पीस डिगी में पड़ा है। गाड़ी काफ़ी मिट्टी मिट्टी हुई हुई है, तो अभी हम इसको कपड़ा शपड़ा को नहीं मारेंगे क्योंकि वहाँ जाके और भी बुरी हालत हो जानी है। फिलहाल ऐसे ही चलते हैं, पेंट भी नहीं करवा रहे। कंपाउंड वगैरह मारेंगे तो इनमें से काफ़ी कुछ सेट हो जाएगा। इतनी ज़्यादा नहीं लगी, ठीक है, पहले मुझे लगा था करवाना चाहिए, लेकिन सही है। बस यहाँ पे स्प्लिटर लगवा लेते हैं। गाइस ये हमारे प्यारे से खान साहब है, इनको हमारे जगह साथ लेके जाया करते हैं। अभी इनकी जरा तबीयत खराब है, लेकिन ये कह रहे खैर है, टेंशन नहीं लेनी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। शॉप पे पहुंच गए हम, भाई साहब को बुलाते हैं, काम शुरू करते हैं। फॉग लाइट्स बड़े दिनों से देखने का मेरा दिल कर रहा था, शुक्र आज हम लगवाने लगे हैं। बड़े दिन से फॉग लाइट नहीं चली हमारी गाड़ी में, रौनक ही नहीं आई कोई। और स्पॉइलर चेंज करके जो मजा आता है ना, पूरी बैक से लुक चेंज हो जाती है, उसका तो अलग ही स्वैग होता है। हालत चेक करो आप गाड़ी की, ये लगाना उतर गया ये गिर गया। नहीं, ये गाड़ी लगी थी। ये गया मुझ को एक अस्पताल, इसकी जगह हम नया लगाने लगे। यस, प्लास्टिक के स्पॉइलर के नीचे एक मिट्टी का भी स्पॉइलर था। स्पॉइलर उतारने और लगाने में इतनी मेहनत नहीं जितनी टेप उतारने में। ठीक है समरिया, वो डीट टेप है, इसके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ा है। गाइस टेप हमारी उतर चुकी है प्रॉपर तरीके से। एक उधर शोर बहुत ज्यादा है, मैं आप ज्यादा बात नहीं कर सक रहा, जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ ड्रा करके ट्रक गुजरता है, सही करके हॉर्न की आवाजें आती हैं, इस वजह से थोड़ा कम बता रहा हूँ मैं आपको। लगा लिया जोर हमारी डिग्री फाइनल हो गई है बहुत सारे रगड़े मारने के बाद। टेप ये वाली जो हमने मंगाई थी अपने पेडल शिफ्टर के लिए, थोड़ी सी रहेगी, अगर स्पॉइलर लग गया और ये बच गई तो इसे हम पेडल शिफ्टर लगा देंगे। अभी सीन कुछ ऐसा है कि वो स्पॉइलर जरा पक्का फिट नहीं आ रहा, उसका लेवल थोड़ा सा डिंगा हो रहा है, तो अभी कुछ जुगाड़ करके उसको लगाना पड़ेगा, देखते हैं लगता है या नहीं। सही है, उसके बेहतर है। इतना गैप आ गया बहुत। ये फर्क आ रहा था स्पॉइलर में, ये यहाँ से स्ट्रेट नहीं था, मतलब सिर्फ डिगी पे ये चीज टच हो रही थी जो चिपकानी है, ये पूरी नहीं हो रही थी। तो अभी हमने यहाँ बड़ा पेच लगाया, इसको सीधा किया ताकि सीधा नीचे टच हो, लेकिन बस ये चीज थोड़ी सी बुरी लग रही है जो गैप है, इसको भी खत्म करना है, कुछ लगाना पड़ेगा इस जगह पे।
अभी आप देख सकते हो स्पॉइलर लग रहा है। इस टाइम तक तीनों काम हो चुके होते हैं लेकिन काफी देर लग गई है स्पॉइलर में। पता नहीं स्प्लिटर लग जाएगा या नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। लो जी लग गया हमारा स्पॉइलर। हमारे पास टेप भी खत्म हो गई थी, इधर अलग टेप लगी है, उधर अलग टेप लगी है। अब ये यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा है, बस इसका भी कुछ करना है। अब ब्रेक लाइट का कनेक्शन करना है। ब्रेक लाइट का भी हो गया गैस कनेक्शन, छोड़ के दबाओ। तो अब भाई साहब हमने ये स्प्लिटर लगवाने हैं। ये लगवाते हैं, फिर फोक लाइट लगानी है। बहुत मुश्किल से लगा, सही बात है, स्पॉइलर काफी देर हो गई है। स्प्लिटर लगाने के लिए गाड़ी हम वो उधर खड़ी करेंगे नीचे से लगाने, इस वजह से ऐ तक हो जी। स्पॉइलर बहुत खास, मतलब वो नहीं लग रही है चीज, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जो गैप है कुछ करते हैं इसका भी, अभी तो नहीं, बाद में कुछ करते हैं इसका। थोड़ा सा इधर करें बाहर की तरफ, बस थोड़ा अंदर करें जरा सा, बिल्कुल हाँ बस वो होता है। थोड़ा सा और बाहर कर दे, बिल्कुल हाँ बस, हाथ उठाओ थोड़ा सा अंदर जरा सा, बिल्कुल स्प्लिटर लग गया हमारा। दो तीन पेज लगाने थे, लग गए। अब फोक लाइट्स लगानी है। तो गाइस बड़े दिनों बाद फॉग लाइट्स लगी हैं गाड़ी में, बहुत सोहनी लग रही हैं। ये लगानी है उस तरफ की। अब येलो है वो बीच। हाँ बता दो राहुल। फॉग लाइट्स लग गई है गाइस हमारी, ये पुरानी वाली फॉग लाइट्स। ये तीन कलर है उसमें, ब्लू वाला, येलो और वाइट है। ये भी फ्लैश मोड पे है। तो गाइस स्पॉइलर लग गया, फॉग लाइट्स लग गई है, स्प्लिटर भी लग गया। अब ये फिन्स मंगानी है मैंने, और इस पे कंपाउंड मार के इसको जितना उतरते हैं उसको उतार देंगे हम। सर्विस वगैरह शायद मैं अभी ना करवा सकूँ क्योंकि टाइम नहीं है। और एक तो ये स्पॉइलर दो दो टेप से लगा हुआ है, यहाँ पे जरा सस्ती टाइप की टेप लगी हुई है, अल्लाह ही जाने रहा है ये ना उतर ही जाए। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। स्पॉइलर हमने लगवा ली है, फॉग लाइट्स भी हमने लगवा ली है, और ये वाला स्प्लिटर भी हमने लगवा ली है। बस स्पॉइलर की थोड़ी सी टेंशन है, ये ज़रा हमने ये अच्छी टेप से लगा हुआ है, ये ज़रा सस्ती टेप से लगा हुआ है, तो ये उतरना जाए। इसके लिए पहले टेप मंगाएंगे अच्छी सी, फिर इसको दोबारा मैं टेप से चेंज कर दूंगा। और इसका भी कुछ करना है, ये कोई गैप बहुत अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइस ये था आज का सस्ता सा व्लॉग। उधर शोर वगैरह भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर सका आप लोगों से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।